नौबस्ता चौकी अंतर्गत नौबस्ता में एक पेड़ के पास युवक गंभीर हालत में पड़ा हुआ मिला। परिजनों को सूचना मिली, परिजन रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, यहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने युवक की हत्या कर लेकर आशंका जाहिर की, पुलिस जुटी जांच में। नौबस्ता चौकी अंतर्गत नौबस्ता में युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ मिला एक पेड़ के नीचे, जिसको इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। विकास साकेत पिता रामसिया साकेत नौबस्ता का रहने वाला था। बीती रात वह एक पेड़ के किनारे गंभीर हालत में परिजनों को मिला। परिजन उसको उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का साफ तौर से कहना, गांव के ही कुछ लोगों ने विकास को मारा है। विकास के पिता की मौत काफ़ी पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी, अब विकास की भी मौत हो गई, जिसका आरोप परिजन कुछ लोगों पर लगा रहे हैं। मामला कबाड़ की दुकान से जुड़ा हुआ बताया गया है, जिसको रखने के एवज में वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती है, ऐसा परिजनों का कहना। हालांकि पूरा मामला पुलिस की जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगा। फिलहाल सबको इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगी युवक की मौत कैसे हुई। अस्पताल की पुलिस चौकी के पास मौजूद हमने विकास साकेत के परिजन से बात की, साथ ही हमने बात की नौबस्ता चौकी प्रभारी से। और भैया का क्या नाम था? भाई का विकास साकेत नाम था। क्या घटना कैसे हुई, क्या मालूम? घटना हुई है, ये पता नहीं शाम को ये घर से गया है, घर से फिर पता नहीं कहाँ गया। भाई को फोन लगाया, पता नहीं उनके दोस्त कोई बोले आओ थोड़ा काम है, तो ये यहाँ से गए नहर के किनारे। वो पड़ा था बेहोश, लगा कुछ नहीं, पेड़ के नीचे था, महुआ के नीचे, तो उसके लगा कुछ नहीं था, सिर्फ पीछे के अलावा सर में लगा था। हाँ, सर में पीछे, बाकी बोल के पेड़ से गिरा है, लेकिन और खरोंच उसके कहीं नहीं आई, न शरीर में कहीं नहीं सिवाय पीछे के अलावा, सिर्फ नाक से खून और उसको जीभ निकली हुई थी, बस हो गया। कितने बजे की घटना है ये? अभी शाम की घटना है, मार के फेंके ये है, काहे की धमकी देते थे हमारे भाइयों को। कौन देता था? हमारे गांव के लोग। कोई नाम है, कोई देता था? हाँ नाम है, तीन लोग हैं, एक लक्ष्मण यादव है, एक पप्पू बोलते हैं साकेत है, उसी का लड़का एक नक्का है। कहाँ के रहने वाले हैं सब? वही नवस्ता, जेपी नवस्ता के हैं। तो तीन लोग हैं हमेशा, हमारे दो भाई हैं, दोनों भाइयों को मारने की धमकी देते थे, हमारे पापा नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं बहुत पहले, पर उनको हमेशा मारने की धमकी दी जाती थी। चौकी में शिकायत की थी नवस्ता चौकी में? वहाँ से कल हम लोग लेके आए यहाँ, वहाँ से टाइम नहीं मिला, 12 बजे की घटना है, उसके बाद आज सुबह गए हैं तो किए हैं। तो ये क्या नाम है जिनका जो मृतक है, जो खत्म हुए हैं, भाई का? आपका? विकास साकेत। आपका? आचल साकेत। अभी सूचना प्राप्त हुई है ग्राम नवस्था थाना चौराहा से, एक विकास साकेत है, पिता श्री स्वर्गीय रामसिया साकेत, इनके भाई आकाश साकेत और उन्हीं के गांव के सुरेश कोल, कल रात को ये उसको महुआ के पेड़ के नीचे घायल अवस्था में पाए थे, जिसको उपचार के लिए लाए थे, और अभी सुबह डॉक्टर साहब द्वारा घोषित मृत घोषित कर दिया गया है उसको। अभी इतनी ही जानकारी है, मर्ग जांच में लिया गया है, मृतक है विकास साकेत, पिता रामसिया साकेत। अभी तक जो भी परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, बयान उनका भी हमने पूछा है, पूछताछ किया है, तो अभी स्पष्ट नहीं बताया है कि कौन हत्या किया है, क्या घटना हुई है, ना ही कोई चक्षुदर्शी साक्षी है, इस प्रकार से अभी कोई भी साक्ष्य हत्या के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, उसको जांच में ले रहे हैं, अगर घटना होगी तो फिर हम जांच में लेते हैं।